दोस्तों आजकल अगर कोई क्रिकेटर चोटिल होता है तो वो कई महीनों तक क्रिकेट नहीं खेल पाते, लेकिन आज मैं आपको तीन ऐसे लड़ाकू क्रिकेटर दिखाने वाला हूँ जो चोटिल होने के बाद भी अपने देश के लिए खेलते रहे और इंडिया को जिताकर वापस आए। नंबर 3, युवराज सिंह। दोस्तों 2011 वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह को कैंसर था, जिसके कारण उन्हें खून की उल्टियां भी हो रही थी। फिर भी युवराज सिंह क्रिकेट खेलते रहे और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, जिसके बाद उन्होंने अपना कैंसर का इलाज करवाया। दोस्तों युवराज सिंह सच में देश का एक रियल हीरो है। अगर आप भी यूवी को देश का रियल हीरो मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नंबर 2, अनिल कुंबले। दोस्तों एक टेस्ट मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर ने अपने बाउंसर से अनिल कुंबले का जबड़ा ही तोड़ दिया था, लेकिन अनिल कुंबले रिटायर्ड हार्ट लेने के बजाय सिर पर पट्टी बांधकर बैटिंग करने आ गए और अगले दिन वेस्ट इंडीज के 10 विकेट लेकर भारत को एक तरफा मैच जिताया। नंबर 1, महेंद्र सिंह धोनी। वर्ल्ड कप 2019 में धोनी को अंगूठे और कमर में चोट लगने की वजह से धोनी गंभीर चोटिल हो गए थे और वो खून की उल्टियां भी कर रहे थे। फिर भी धोनी अपना दर्द छुपाते हुए खेलते गए और अपने टीम को सेमीफाइनल तक ले गए।